अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल? इट्स मी मिस सबा। सो स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस लेक्चर ऑफ साइंस वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एज वेल एज इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो चैप्टर है इसमें हम सेलुलर हायरार्की को पढ़ रहे हैं, लाइक किस तरह से हम लोग अपनी बॉडी में सिंपल सेल से यानी स्टार्ट होकर यानी कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज से गुजरते हुए एक पूरा इंडिविजुअल जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो ये पूरी सेलुलर हायरार्की को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा कि व्हाट इज सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी सेल जो है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाता है और काम भी करता है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलकर कोई एक सिंगल काम कर रहे होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 8 एंड द टॉपिक इज़ ऑर्गन। सो व्हाट आर ऑर्गन्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ग्रुप टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। अब मुख्तलिफ किस्म के जब टिश्यूज मिलते हैं और वो इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं, ठीक है, और वो कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट टिश्यूज जब मिलकर कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये अब इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, एक ऑर्गन। एन ऑर्गन इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। और जो ऑर्गन है वो एक ख़ास किस्म का काम आपके जिस्म में सर अंजाम दे रहा होता है, तो इसको आप हाईलाइट करें यहाँ तक। और नेक्स्ट में बताया कि आप देखेंगे डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसमें बताया कि किस तरह सेल्स से टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, लाइक हेयर। इसको आपने हाईलाइट भी करना है। यहाँ पे देखें, एक साइड पर एपिथीलियल सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स हैं। अब एपिथीलियल सेल्स, दीज सेल्स मैश टुगेदर टू फॉर्म एन एपिथीलियल टिश्यूज, यानी ये सेल्स आपस में देखें किस तरह से अरेंज हुए हैं, ठीक है, और इकट्ठे होकर इन्होंने क्या बना दिया, एपिथीलियल टिश्यूज। दूसरी तरफ जो स्मूथ मसल सेल्स थे, जब ये इकट्ठे हुए तो इस तरह से जब बंडल अप होते हैं तो ये मिलकर स्मूथ मसल टिश्यूज बना देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम सेल्स विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दे बंडल अप और दे मैश टुगेदर एंड फॉर्म द टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज़ बन गए आपके पास, एंड देन फ्रॉम टिश्यूज़ देखें किस तरह से उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है। अंदर देखें, ये पूरी एक इंटेस्टाइन का उन्होंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन के अंदर वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि जो एपिथीलियल सेल्स ने लाइनिंग की हुई है, और उसके आउटर साइड पर क्या है, ये जो आपके स्मूथ मसल सेल्स है। ठीक है, तो ये मिलकर एक ऑर्गन बन चुका है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में यानी आगे हम डिफरेंट यानी ये पढ़ेंगे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, जिनमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एक अहम किरदार अदा करती है खुराक में डिफरेंट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने का, ब्लड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को मतलब शामिल करने का, और खुराक की डाइजेशन में भी एक अहम किरदार अदा करती है। सो नाउ लेट्स मूव फ्रॉम ऑन द पेज नंबर 9। हियर वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द लीवर। सो आप जानते हैं कि लीवर जो है वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, दैट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के राइट साइड पर मौजूद होता है, और इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। लीवर जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इन ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द बॉडी, यानी आपके जिस्म में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं लीवर उनमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसको हाईलाइट करें पूरा पैराग्राफ। देन वी हैव हार्ट। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, यानी हार्ट क्या है, वो एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है जिसका साइज आपकी फिस्ट जितना होता है, आपकी बंद मुट्ठी जितना, यानी जितनी आपकी बंद फिस्ट होती है उतना ही आपकी हार्ट का साइज होता है। और ये कहाँ पे लोकेट करता है, जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, यानी ये जो आपकी सीने की हड्डी है उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ये मौजूद होता है। और ये क्या करता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून को पहुँचाता है। देन वी हैव लंग्स। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फील्ड ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द चेस्ट, यानी लंग्स क्या हैं, ये स्पॉन्जी स्पॉन्ज की तरह के मतलब ऑर्गन्स हैं जिनमें हवा भरी होती है, ठीक है, और ये आपकी चेस्ट के दोनों तरफ मौजूद होते हैं, एक आपका राइट लंग होता है और दूसरा लेफ्ट लंग। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स, यानी लंग्स के जरिए हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देन वी हैव किडनीज। किडनीज भी जो है वो पेयर की फॉर्म में होती हैं आपके जिस्म में मौजूद, ठीक है, ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी आपकी बैकबोन है सेंटर में, उसकी दोनों साइडों पर ये एक एक किडनी मौजूद होती है। अब किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द बॉडी, यानी जिस्म से निकालती है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स।
सो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, टिश्यूज़ और ऑर्गन में क्या क्या डिफरेंस है। टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो एक कोई स्पेसिफिक काम सर अंजाम देते हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़ है। अब ऑर्गन क्या है? ऑर्गन कलेक्शन ऑफ टू और मोर टिश्यूज़, यानी दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, और वो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन यानी एक खास काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग, स्टमक, किडनी, स्किन, लिवर, ब्लडर, ये सब आपके ऑर्गन्स हैं। अब टिश्यू का जो मेजर स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑर्गन का, यानी ऑर्गन को बनाने वाला कंपोनेंट है सबसे बड़ा, वो टिश्यू है। अब ऑर्गन क्या है? ये मेजर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम का। अब ऑर्गन क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शनल कंपोनेंट, यानी ऐसा जुज़ा जो एक्टिव है, काम में हिस्सा लेता है। देन वी हैव द थर्ड डिफरेंस, ऑलवेज इवन इन द शेप विदाउट गैप्स बिटवीन सेलर कंपोनेंट्स। अब ये जो टिश्यूज़ हैं वो कह रहे हैं कि इनमें गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी जब मैसअप होते हैं तो दरमियान में इनके कोई भी खाली जगह नहीं होती। कैन बी हॉलो इन स्ट्रक्चर, अब ये खोखले भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, यानी जैसे आपका स्टमक है, स्टमक एक बैग की तरह ना, तो अंदर से सारा होलो है, खोखला है। आ टिश्यू ऑलवेज कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, अब टिश्यूज़ जो है वो हमेशा एक खास किस्म का काम सर अंजाम देता है, और ऑर्गन जो है कैन परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शन, जिस्म के बहुत से कामों को सर अंजाम दे सकता है। सो क्लास देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम, सो वट इज़ ऑर्गन सिस्टम? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वराइटी ऑफ सिस्टम्स, यानी जो जिंदा जानदारों के समय बहुत से सिस्टम से मिलकर बने हुए हैं, और ये तमाम सिस्टम्स जो है ना मिलकर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में यहाँ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले था सेल, सेल्स ने मिलकर बना दिए टिश्यूज़, टिश्यूज़ ने मिलकर बना दिए ऑर्गन, अब ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में जिनको हम पढ़ेंगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीडाइजेस फूड इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड आउट बाय दिस सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी फूड की ऑक्सीडेशन होती है, यानी आपकी खुराक को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है, और इस अमल के दौरान एनर्जी जो है वो खारिज होती है, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला भी इसी सिस्टम के जरिए होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, इसको आपने अपनी नीट कॉपीज में, साइंस की कॉपीज में ड्रॉ भी करना है, ठीक है, और लेबलिंग के लिए इसको हाईलाइट भी करना है और याद भी रखना है इसकी लेबलिंग। सो हेयर वी हैव नोज एंड ट्रेकिया, और फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हैं, लेफ्ट लंग और एल्वियोलाई है, ठीक है, इस साइड पर राइट लंग है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है आपके पास, बहुत सिंपल सी डायग्राम है, आपने इसको ड्रॉ भी करना है और लेबलिंग के लिए लर्न भी करना है। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द इनसोलबल फूड्स सच एज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इनटू सिंपल सोलबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तोड़ता है इनसोलबल फूड पार्टिकल्स, यानी फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है, यानी जो बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसी फॉर्म में लेके आता है जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये खुराक को तोड़ता कैसे है? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में से सेक्रीट होते हैं, और ये क्या करते हैं, आपकी खुराक को सिंपल और सोलूबल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। सो हेयर वी हैव द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको भी आपने हाईलाइट करना है और अपनी आपने कॉपी में इसको भी ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माउथ, देन इसोफेगस, देन लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। तो आपने ये दोनों डायग्राम्स जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी, ये ड्रॉ भी करनी है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। सो क्लास हेयर ऑन पेज नंबर 13 वी हैव लास्ट टू वर्ड्स टू लर्न, द सेकेंड वन इज टिश्यू। टिश्यू आर अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, टिश्यूज जो हैं वो सेल्स की कलेक्शन, यानी सेल्स इकट्ठे होते हैं जो कि खास किस्म का काम सर अंजाम देते हैं, और ऑर्गन ये आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, और ये एक कॉमन फंक्शन ये भी सर अंजाम देते हैं। हाईलाइट भी करें इसको, आपने लर्न भी करना है अच्छे से। जी स्टूडेंट्स, फ्रॉम नोट्स यू हैव टू लर्न क्वेश्चन नंबर 7 and 8। सो वर्स क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेलर हायरार्की, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सेलर हायरार्की के बारे में आपने पढ़ा है कि क्या है। सेलर हायरार्की जो है बोथ प्लांट और एनिमल्स में स्टार्ट होती है सेल से, ठीक है, और फिर आगे से आगे ये मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट पैलिसेड सेल्स जो है वो पैलिसेड टिश्यूज बनाते हैं मिलकर, फिर इन पैलिसेड टिश्यूज के साथ दूसरे टिश्यूज मिलते हैं जो कि एक लीफ बना देते हैं जो कि एक ऑर्गन है, फिर लीव्स और दूसरे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर, यानी जैसे कि रूट और स्टेम्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब मिलकर क्या बना देते हैं, आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म, एक पूरा प्लांट, ठीक है।
देन वी हैव एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको आपने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है, डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए खुद से. तो लेट्स स्टार्ट. सो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मटीरियल्स अराउंड द बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो भी सर्कुलेशन है डिफरेंट मटीरियल्स की आपके पूरे जिस्म में, जो भी चीज़ों की गर्दिश है वो किसकी वजह से होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या शामिल है, हार्ट शामिल है, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, ठीक है, यानी आपका दिल और बहुत सी खून को ट्रांसपोर्ट करने वाली नालियाँ शामिल हैं, ठीक है. तो ये डायग्राम दी हुई है, आप अपनी बुक से भी इसको बना सकते हैं, इसमें हार्ट को लेबल किया हुआ उन्होंने, वेन को और आर्टरी को, ठीक है. तो ये आपने ड्रॉ भी करनी है जब भी आपने ये क्वेश्चन लिखना है, और आपको जो है ना इसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए. देन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आपने इसको अच्छे से वहाँ से पढ़ा है रीडिंग से, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनसोल्युबल फूड पार्टिकल जो है उनको तोड़ता है ऐसे सब्सटेंसेस में जिनको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है, बेहतर यही है कि आप बुक से करें देख के, वहाँ पे अच्छे से सारी लेबलिंग मौजूद है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बारह ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए. सो थैंक यू सो मच. दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपने याद करने हैं, इसके अलावा बुक रीडिंग में जितने कॉन्सेप्ट हैं वो याद करने हैं, और जो हमने लास्ट टू वर्ड्स टू लर्न पढ़े हैं उनको भी अच्छे से याद करना है. थैंक यू सो मच.